हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया ना। हम लोग लॉग में सारा प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ चुके हैं। इस पे एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग इसमें सीखेंगे। जैसे हम लोग बेसिकली डिफरेंट टाइप का इक्वेशन सॉल्व किए अभी तक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलीनोमियल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वैसे ही क्या करेंगे इसमें भी सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन। और उसमें फिर क्या पढ़ें, इनइक्वालिटी, इसमें भी पढ़ेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, पहले कुछ डिफरेंट डिफरेंट मेथड होगा लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करने का, फिर इनइक्वालिटी में कुछ बेसिक अलग थिंग होगा जो हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसके बाद फिर पढ़ेंगे इक्वेशन। क्वेश्चन नोट करो, देखो सॉल्व या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर लॉग बेस टू, ए टू द पावर लॉग बेस टू, इसका आर्गुमेंट है 121 होल टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, क्लियर? प्लस 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर लॉग 121 होल टू द पावर 1/3 बेस टू प्लस 1/3। यह 1/3 अलग है, सेपरेट है, दोनों पावर में है, ये प्लस ये एक का पावर है। जैसे सॉल्व करो तो हो गया। बोलो इसमें क्या करेंगे? सबसे तो पहले देखो क्या बोले थे कि पावर को क्या करना है, तो सारे चीज को सबट्रैक्ट करना, मतलब प्राइम फैक्टर में लिखना है। एट को क्या लिख सकते हैं, एट को लिख सकते हैं 2q, ये लिखेंगे ना 2q होल टू द पावर, इसको सेपरेट कर दे क्या, ए टू द पावर एम प्लस एन, इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एम, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो लॉग पावर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड ना 121 बेस टू इंटू एट टू द पावर, एट मतलब क्या हो गया 2q होल टू द पावर 1/3। बोलो ये लिख सकते हैं क्या, ए टू द पावर एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, सेम चीज लिखती है। अब देखो क्या है लॉग 121 क्या लिख सकते हैं, 11 स्क्वायर ना, या सिंपली देखो 3 × 1/3, पहले ये लिखते हैं 2 टू द पावर, पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई 3 × 1/3 लॉग 121 बेस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 × 1/3। बोलो इसमें किसी को डाउट है? नहीं ना, पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या हो गया 3 3 कैंसिल आउट, ये क्या बन गया 2 टू द पावर लॉग 121 बेस 2 इंटू 2 टू द पावर 1। बोले तक पढ़ाओ। फिर हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ है ए टू द पावर लॉग बी बेस ए, अगर ये दोनों सेम है तो क्या होता है सिंपली आर्गुमेंट ना, तो बोलो इसका आप क्या लिखेंगे 2 टू द पावर लॉग 121 बेस 2 इक्वल टू 121 ना, क्या आ जाएगा ये 121 इक्वल टू 242, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 242। बोलो इसमें कोई डाउट है? नहीं ना, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 4 बेस 3 इंटू लॉग 5 बेस 4 इंटू लॉग 6 बेस 5 इंटू लॉग 7 बेस 6 डॉट डॉट अप टू लॉग 9 बेस 8। क्या बोल रहे हैं, लॉग 4 बेस 3 इंटू लॉग 5 बेस 4 लॉग 6 बेस 5 लॉग 7 बेस 6 लॉग 8 बेस 7
फाइनल ऑब्जेक्ट हो गया। देखो वो सिंपल है, हम लोग एक क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है लॉग को सेपरेट कर सकते हैं, लॉग ए बेस बी को क्या लिख सकते हैं लॉग ए बाय लॉग बी, और लिख सकते हैं ना ये प्रॉपर्टी था लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग ए बाय लॉग बी। ऐसे सॉल्व करने के सिंपल देखो ऐसे दे सकते हैं 4 4 कैंसिल हुआ, 5 5 कैंसिल हुआ, 6 6 कैंसिल हुआ, 7 7 कैंसिल हुआ, 8 8 कैंसिल हुआ, सिंपल बचेगा क्या लॉग 9 बेस 3 मतलब आंसर 2। अगर मतलब बहुत बार टम जाएगा जैसे करेंगे नहीं सिर्फ ऐसे सिंपल देखेंगे ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में कैसे कैंसिल हो रहा है जब इसको क्या लिखेंगे ये बन जाएगा लॉग 4 बेस कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में बेस के अंदर लॉग 3 इसको क्या लिखेंगे log 5 by log 4 into log 6 by log 5 तो log 6 by log 5 और ये क्या बन जाएगा log 7 by log 6 clear। next term log 8 by log 7 and next term log 9 by log 8 बोलो क्लियर ना। अब देखो कैंसिल हो रहा है ना सबका बेस क्या रहेगा सेम, बोलो तो कैंसिल हो रहा है नहीं log 5 किससे कैंसिल हुआ log 6 यहां से log 7 यहां से log 8 यहां से, देखो क्या बचा ये बन गया log 9 by log 3। अब फिर उसके रिवर्स प्रॉपर्टी से कंबाइन कर सकते हैं ना लॉग ए बाय लॉग बी को क्या लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी, और लिख सकते हैं ना पक्का ना ये क्या बन गया लॉग 9 बेस 3 क्लियर। ये क्या बन जाएगा आप लोगों को पता है इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर बेस 3 2 इंटू लॉग 3 बेस 3 2, आंसर क्या हो गया 2। बोलो कोई डाउट नहीं ना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर log 5 बेस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर log 5 base 3 minus 5 to the power log 2 base 3, find the value of 2 to the power log 5 base 3 minus 5 to the power log 2 base 3। चलिए बताइए तो क्या होगा, अरे हो गया क्या बोलो इसमें क्या करेंगे एक और प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे ए टू द पावर लॉग बी बेस सी, इसमें क्या कर सकते हैं इस दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं तो पढ़े थे ना इसको क्या लिख सकते हैं बी टू द पावर लॉग ए बेस सी, दोनों सेम है ना इसी को चेंज कर दो, क्या करते हैं इसी को चेंज करते हैं इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 टू द पावर log 2 बेस 3, बोल सकते हैं कि नहीं माइनस 5 टू द पावर log 2 बेस 3 क्या हो गया 0, आंसर क्या हो गया 0। बोलो क्लियर पक्का ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन if x is equal to 1 plus log bc base a, y is equal to 1 plus log ac base b, and z is equal to 1 plus log ab base c, and z is equal to 1 plus log ab base c, then find the value of 1 by x plus 1 by y
1 by z. Find the value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. Find the value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z. जल्दी करो तो. अरे हो गया क्या? बोलो इसमें क्या करेंगे? 1 by x plus 1 by y plus 1 by z निकालना है ना? इसमें देखो क्या है? BC तो A, AC तो B, AD तो C और plus 1 समझो. सबसे पहले इसको सिंगल टर्म में लाना पड़ेगा, मतलब लॉग के टर्म में लाना पड़ेगा. और लॉग कंबाइन कब होगा? जब दोनों का बेस सेम करेंगे ना. देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 को लिख सकते हैं log a बेस a प्लस log bc बेस a. बोलो तो प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं ना. इसको क्या लिखेंगे? 1 को इसमें log b बेस b प्लस log ac बेस b. बोलो पे डाउट आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इसको क्या लिखना है? इसको लिखेंगे log c बेस c प्लस log ab बेस c. बोलो पे डाउट नहीं ना. ये अब क्या बन गया? आप लोग खुद बता सकते हो. दोनों का बेस सेम, प्रॉपर्टी क्या होता है? आर्गुमेंट मल्टीप्लाई ना. ये क्या बन गया? ये बन गया log a b c बेस a. बोलो ये क्या बना? ये बन गया log a b c बेस b. और ये क्या बना? ये बना log a b c बेस c. बोलो क्लियर? पक्का ना? अब जस्ट वैल्यू पुट कर दो. x y z पता है निकालना है. देखो 1 by x, 1 by x क्या लिखेंगे? 1 by log a b c बेस a, 1 by log a b c बेस b, 1 by log a b c बेस c. क्लियर ना? अब फिर हम लोग क्या प्रॉपर्टी पढ़े हैं? 1 by log b बेस क्या होता है? उसका आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज हो जाता है. इसको क्या लिख सकते हैं? इसको देखो ये लिख सकते हैं क्या? log a बेस a b c प्लस log b बेस a b c प्लस log c बेस a b c. बोल लिख सकते हैं ना? फिर सबका बेस सेम, आर्गुमेंट मल्टीप्लाई. ये क्या बन गया? log a b c बेस a b c इक्वल 1. बोलो क्लियर? log a b c बेस a b c इक्वल टू 1. फाइनल आंसर 1. 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z इक्वल टू 1. क्लियर? ये जस्ट बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग कर लो. ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट लिखो लॉगरिथमिक इक्वेशन. लॉगरिथमिक इक्वेशन, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं आप लोगों को पता ही है. इसमें क्या रहेगा? लॉग इन्वॉल्व रहेगा. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व था. इसमें क्या रहेगा? लॉग का टर्म इन्वॉल्व रहेगा. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप देखते हैं किस किस टाइप में क्या करेंगे. नेक्स्ट करें लॉगरिथमिक इक्वेशन. लॉगरिथमिक इक्वेशन क्लियर? चलिए इसमें नोट कीजिए. टाइप लिखवाते हैं. फर्स्ट टाइप रहेगा जस्ट बेसिक जो डेफिनेशन पढ़े हैं उस पे बेस्ड, उस टाइप का इक्वेशन दे सकते हैं. फर्स्ट टाइप लिखिए इफ log x बेस a, इफ log x बेस a इक्वल टू 1. इस टाइप का कुछ इक्वेशन है. ये भी एक इक्वेशन ही है ना. इसे बोलेगा फाइंड x या y का वैल्यू कुछ गिवन रहेगा. log x बेस a इक्वल टू 2, log x बेस a इक्वल टू 3, फाइंड x. ये एक इक्वेशन है. सिंपली क्या लिखेंगे? और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना. आप लोगों को पता है ना? बोलो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू a टू द पावर 1. ये इसका सलूशन हो गया. बट इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, इसमें ध्यान में रखना है इक्वेशन सॉल्व करने में, कि लॉग हमेशा डिफाइंड होना चाहिए. लॉग डिफाइंड कब होता है? जब उसका बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल टू 1 एंड आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0. ये करते हैं ना.
हमेशा लॉग का जो सोल्यूशन आएगा वो डिफाइंड वैल्यू के अंदर होना चाहिए। क्लियर? तो हमेशा ये नहीं करते हैं कि पहले लॉग को डिफाइन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, डिफाइन करने में टाइम लग जाएगा। इसके लिए करते क्या है कि बिना को कंडीशन लिए हुए, बिना लॉग को डिफाइन किए पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो एक्स का वैल्यू आएगा उसको पुट करके चेक करेंगे क्या लॉग सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, लॉग उस केस में डिफाइंड है कि नहीं। कुछ कम वैल्यू आएगा जैसे मोटो सोल्यूशन निकालना है तो फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आएगा, फाइनाइट वैल्यू पुट करके चेक किया जा सकता है। ऐसे डोमेन निकालेंगे क्या हो जाएगा, डिफाइन करने के लिए तीन कंडीशन लगाओ फिर उसका कॉमन निकालो तो पूरा टाइम लगेगा। तो वो नहीं करके क्या करते हैं, सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो सोल्यूशन आया उसको एक बार पुट करके चेक करना है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर हो गया, नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लोग उस पर डिफेंड है। क्लियर? चलिए ये इंपॉर्टेंट थिंग है, हमेशा एक बार क्या करना है, पुट करके चेक करना है। लॉगरिथमिक इक्वेशन इनइक्वालिटी में हम लोग का मजबूरी हो जाएगा उसको डिफाइंड करने, क्योंकि उसमें रेंज में हो सकता है, रेंज तो पुट कर नहीं सकते हैं। अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो उसमें पहले लॉग को डिफाइन करेंगे फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आगे आते जाएगा। क्लियर ना? तो पहले फर्स्ट मेथड के लिए फर्स्ट है बहुत ही सिंपल बेसिक डेफिनेशन वाला, अगर लॉग एक्स बेस इज इक्वल टू वाई है तो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए टू द पावर वाई, और ए एक्स वाई पे जो कंडीशन है वो वाई पुट करके देख लेंगे सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन का लॉग, हेडिंग डालो सॉल्व, सारे में सॉल्व करना है। फर्स्ट लॉग एक्स बेस टू इक्वल टू थ्री, जल्दी बोलो एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू क्यू मीन्स ए, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, पक्का ना, जब बेसिक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड को सॉल्व, लॉग एक्स प्लस वन बेस थ्री प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री बेस थ्री इक्वल टू वन, सॉल्व लॉग एक्स प्लस वन बेस थ्री प्लस लॉग एक्स प्लस थ्री बेस थ्री इक्वल टू वन, हो गया क्या? तो पहले क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर है वो उसको पुट करके चेक करना। क्लियर? देखो बेस दोनों का सेम है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन, आप लोग को याद हो चुका है, डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री बेस थ्री, बोलो क्लियर ना, इक्वल टू वन, तब यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री टू वन, या सिंपली ब्रैकेट क्या डालते हैं कि वन को क्या लिख सकते हैं, बेस थ्री लाना है लॉग में, तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग बेस थ्री, और वन कब होता है जब आर्गुमेंट सेम, इसे दोनों सेम ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या करेंगे दोनों को इक्वल कर देंगे। क्लियर ना? क्योंकि इन इक्वालिटी में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसलिए अब चले डालते हैं क्या, अगर टू रहेगा क्या लिखेंगे, लॉग थ्री आर्गुमेंट में थ्री का स्क्वायर, वन बाय टू रहेगा बेस थ्री आर्गुमेंट में थ्री पावर वन बाय टू, वन बाय थ्री रहेगा तो वन बाय थ्री पावर वन बाय थ्री। क्लियर है? दोनों सेम थी पैसे से लिखना है, बोलो यहाँ से क्या आ गया, ऐसा आ गया x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री, बोले यहाँ तक पढ़ाओ नहीं ना, अब इसको जो सिंपली सॉल्व करना है, क्वालिटी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू थ्री, बोलो पढ़ाओ नहीं ना, एक्स कॉमन कॉमन जीरो हो रहा है, एक्स कॉमन एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, क्या आ गया हमसे एक्स इक्वल टू जीरो एंड माइनस फोर। क्लियर ना? एक्स का दो वैल्यू आया जीरो एंड माइनस फोर। अब क्या करना है, चेक करना, जस्ट लॉग के पॉइंट है कि ये चेक करना है, देखो जीरो प्लस के क्या है, जीरो प्लस वन के पॉइंट, जीरो प्लस थ्री के पॉइंट, तो कौन सा क्या होगा जीरो, पुट करके फिर सॉल्व नहीं करना, जहाँ देखना लॉग डिफाइंड है कि नहीं, बेस ऑन ए डिफाइंड है, सिर्फ आर्गुमेंट स्पेस में डिफाइन करना, जीरो पे क्या हो गया जीरो प्लस वन, पॉजिटिव डिफाइंड, पॉजिटिव डिफाइंड, आंसर जीरो हो गया।
अब माइनस फोर देखो, माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री ना, आर्गुमेंट निगेटिव नहीं हो सकता है ना, तो क्या बोलेंगे माइनस फोर रिजेक्टेड। अगर पे लॉग को डिफाइन करते हैं यही क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर, और यहाँ से क्या आता है एक्स ग्रेटर देन माइनस फोर, दोनों का कॉमन लेते हैं उसके अंदर देखते हैं क्या आंसर है। तो वो सब नहीं किए, सिंपली क्या किए बिना किसी कंडीशन का प्रॉपर्टी में करके सॉल्व किए, जो आंसर है उसको चेक किए, माइनस फोर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस पर लॉग डिफाइन नहीं है, आंसर फाइनल क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो। तो फाइनल आंसर एक्स इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वन। क्लियर ना, बहुत सिंपल है ना, बिल्कुल एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन है सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग टू माइनस एक्स बेस एक्स, लॉग टू माइनस एक्स बेस एक्स इज इक्वल टू टू, लॉग टू माइनस एक्स बेस एक्स इक्वल टू टू। जल्दी से कीजिए तो log 2 माइनस एक्स बेस एक्स इक्वल टू, ये हो गया क्या, ऐसे लिख सकते हैं ना log x स्क्वायर बेस x, बोलो क्लियर ना, क्या आ गया 2 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलो पढ़ाओ क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो ना, फैक्टर क्या बना x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, बोलो बढ़ाओ नहीं ना, x इक्वल टू क्या आया माइनस टू एंड वन, माइनस टू होगा क्या, जैसे ही माइनस टू पुट किए बेस निगेटिव, यहीं से देखो वन पुट किए बेस वन रिजेक्टेड, इसको डिफाइन नहीं करें, अपने मन से लिखा है, डिफाइन किसको करना है इसको, क्लियर ना, वन पे बेस वन हो रहा है नहीं होगा, माइनस टू पे क्या हो रहा है बेस नेगेटिव हो रहा है वो भी नहीं होगा, एक्स का एक वैल्यू नहीं आया, बोलेंगे एक्स बिलोंग टू फाइव, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जीरो, सॉल्यूशन क्या होगा एक्स बिलोंग टू फाइव, बोलो बड़ा हो पक्का ना। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग ऑफ 98 प्लस लॉग ऑफ 98 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 46 और बेस में 10 इक्वल टू टू, सो लॉग ऑफ 98 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 36 बेस 10 इक्वल टू टू। चलिए जल्दी कीजिए तो, अरे हो गया क्या, सिंपल है ना ये भी, इसको लिखेंगे लॉग अंडर बेस 10, डायरेक्ट लिख रहे हैं 98 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 10 स्क्वायर, बोलो बड़ा आउट पक्का ना, क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 100 माइनस 98 टू, क्लियर, इसका अंडर रूट, फिर बहुत सारे स्क्वायर किए क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू 4 बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0, फैक्टर 8 और 4 ना, तो एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, तो बड़ा हो नहीं ना, एक्स का अंडर रूट क्या आ गया एक्स इक्वल टू आइदर 4 और 8 पक्का। चलिए अब 4 इसे पुट कीजिए 16 माइनस 48 16 प्लस 36 कितना हो जाएगा 36 42 52 52 माइनस 48 सही है, 8 का स्क्वायर 64 64 माइनस 96 64 प्लस 36
64, 36, 100, 100 माइनस 96, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, इसमें x का वैल्यू है x इक्वल टू 4 एंड 8, अभी क्या है आर्गुमेंट ऑलरेडी डिफाइंड है, सॉरी बेस ऑलरेडी डिफाइंड है, सिर्फ आर्गुमेंट डिफाइन करना है, आर्गुमेंट डिफाइन में क्या करना चाहिए, सिंपल नंबर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों पहले पुट किए टर्म का टर्म क्या होगा पॉजिटिव ना, बेस x का वैल्यू क्या हो गया 4, 8, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to the power 2 into log x base 5 5 to the power 2 into log x base 5 2 into log x base 5 minus x minus c equal to 0 5 to the power 2 into log x base 5 minus x minus 6 is equal to 0 चलिए जल्दी कीजिए तो अरे हो गया क्या ये भी सिंपल है ना बोलो इसमें क्या करेंगे 5 to the power पहले क्या करते हैं अभी दोनों का सिंपल बनता है इसका फंक्शन डिवाइड करते हैं क्लियर ना इसको देखो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 5 to the power log x स्क्वायर बेस 5 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 लो कट आउट अरे नहीं ना देखो थोड़ा सा इसे ध्यान रखना है इसमें क्या है x दोनों जो अभी हम क्या किए हैं चेंज किए हैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन चेंज नहीं किए बट x का वैल्यू चेंज हो गया इस क्वेश्चन को कोई देखेगा क्या बोलेगा x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना बट अगर इस क्वेश्चन को कोई देखेगा क्या बोलेंगे इसका आर्गुमेंट x स्क्वायर डिफाइंड होगा हमेशा डिफाइंड होगा सिर्फ x इक्वल टू 0 को छोड़ के इसमें बोलेंगे x बिलोंग टू ऑल रियल एक्सेप्ट 0 अगर ये क्वेश्चन आता तो लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में ये है इसका हम क्या बोलेंगे आंसर x ग्रेटर देन 0 लॉग में चेंज कुछ नहीं किया बट इसका x का वैल्यू चेंज हो क्लियर ना ये सब का ध्यान रखना बड़ा वाइज में क्वेश्चन ये है x क्या होना चाहिए जो भी आंसर आएगा 0 से ग्रेटर अगर इधर क्वेश्चन ये रहता x का कुछ भी वैल्यू आ सकता था सिर्फ 0 छोड़ के क्लियर अब जब इसका वैल्यू क्या हो गया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 क्लियर ना अब बोलो इसका फैक्टर आप लोग को समझ में आ चुका है फैक्टर होगा x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0 बोलो क्लियर पक्का ना x इक्वल टू क्या आ गया 3 एंड माइनस 2 डिफाइन इसको करना है ना ये डिफाइन के लिए क्या होना चाहिए x ग्रेटर देन 0 आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 3 इसका सलूशन क्या है x इक्वल टू 3 पक्का चलिए ये जस्ट बेसिक हो गया टाइप 1 सिंपली अभी तक क्या किए अगर log x बेस a इक्वल टू 1 है सिर्फ वही यूज किए कि x इक्वल टू क्या हो गया a टू द पावर 1 क्लियर चलो अब टाइप 2 सेकंड टाइप है टाइप 2 इसमें क्या रहेगा दो log इक्वल है राइट ये रहेगा देखो if log x base a equal to log y base a if log x base a equal to log y base a क्या लिखेंगे imply x equal to y या कंडीशन हम लिखवाते हैं तो कोई नोट देखेगा या कुछ देखेगा बोलेगा इसको कुछ पता ही नहीं इसलिए हम लिखवाते हैं ऐसा आप लोग को समझ होना चाहिए कि लॉग डिफाइन है तब दोनों को इक्वेट कर दे बोलो लॉग डिफाइन कब होगा बगल में लिख लो कंडीशन क्या होगा प्रोवाइडेड दैट x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 ये कंडीशन किसका है लॉग को डिफाइन होने के लिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन क्लियर ना अगर x y एंड a ग्रेटर देन 0 है a नॉट इक्वल टू 1 है एंड इफ log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस a द
देन एक्स इज इक्वल टू वाई। कंडीशन अगर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लो सुन के, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू वन। क्लियर? चलो क्वेश्चन लिखो। सॉल्व log x प्लस टू बेस टू, log x प्लस टू बेस टू माइनस log 2x प्लस वन बेस टू, log x प्लस टू बेस टू सॉरी माइनस नहीं है इक्वल टू x इक्वल टू log 2x प्लस वन बेस टू। ये सॉल्व कीजिए तो अरे हो गया क्या, क्या लिखेंगे नंबर बेस सेम ना, आर्गुमेंट क्या जाएगा इक्वल मींस एक्स प्लस टू इक्वल टू टू एक्स प्लस वन। क्लियर? क्या बन गया टू एक्स माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू टू माइनस वन। देखो सही है ना, एक्स इक्वल टू वन। देखो लॉग डिफाइन है क्या, वन पे टू प्लस वन थ्री डिफाइन है, टू प्लस वन थ्री डिफाइन है, लॉग डिफाइन है। आंसर क्या हो गया एक्स इक्वल टू वन। बोलो कोई डाउट नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जाएगा, देखते करना है इक्वल करना है ना, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप लिखो, टाइप थ्री, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें लॉग एक्स बेस ए को कुछ मानना पड़ेगा, तो मानो क्वाड्रेटिक बनाते हैं उसमें कुछ मानते हैं ना, जैसे sin स्क्वायर x + sin x + 1 आ गया, sin 40 मानते हैं, वैसे इसमें क्या रहेगा log x में क्वाड्रेटिक रहेगा क्यूबिक रहेगा, इतना करेगा क्या करेंगे log x बेस ए को मानेंगे t। थर्ड टाइप बाय कंसीडरिंग, बाय कंसीडरिंग log x बेस ए इक्वल टू t, by considering log x base t equal to t। like question लिखो, solve log x base 5 plus log 5 base x equal to 5 by 2, solve log x base 5 plus log 5 base x equal to 5 by 2। हो गया क्या, कैसे करेंगे? देखो इसमें क्या है x base 5 है, 5 base x, दोनों को रिलेशन है क्या, अरे पढ़े थे ना कि log a base b को क्या लिख सकते हैं 1 by log b base a लिख सकते हैं ना, अरे इसको क्या लिख सकते हैं 1 by log 5 base a, इसको लिख सकते हैं 1 by log x plus 5, बोल लिख सकते हैं कि नहीं पक्का ना। चलो क्या करते हैं, दोनों सेम टाइप का दिख रहा है, किसी एक को मान लो, लेते हैं लेट log x base 5 equal to t। बोलो कोई डाउट है नहीं ना, ये क्या बन गया t plus, इसको क्या लिखेंगे ये 1 by t है कि नहीं है, तो पक्का ना t plus 1 by t is equal to 5 by 2। क्लियर? क्या हो गया ये t square plus 1 by t equal to 5 by 2, cross multiply किए 2t square minus 5t plus 2 equal to 0। क्लियर? चलिए करते क्या बन जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t, डायरेक्ट लिखे क्या t माइनस 2 इंटू 2t माइनस 1, ये बनेगा ना, बच्चे कर लेते 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t माइनस 5t प्लस यस, क्या बन गया t माइनस 2 इंटू 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से बोलो t का वैल्यू क्या क्या आया, t इक्वल टू 2 एंड हाफ। बोलो बढ़ाओ, अब t किसको माने थे log x बेस 5 इक्वल टू 2 और log x बेस 5 इक्वल टू हाफ। बोलो क्लियर ना, यहां से क्या आ गया x इक्वल टू 5 स्क्वायर मींस 25, और यहां से
एक्स इज इक्वल टू फाइव टू द पावर हाफ माइनस रो फाइव, और दोनों आंसर होगा कि एक होगा कि कोई नहीं होगा। लॉग इक्वल होने के लिए एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू वन, सब कुछ रिस्पेक्ट कर रहा है ना। आंसर क्या हो गया 25.5। इसका आंसर 25.5। बोलो क्लियर ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो सॉल्व, सॉल्व लॉग एक्स होल स्क्वायर, देखो ऐसे लिखा है उसको, इसे साइन स्क्वायर एक्स में लिखते हैं ना, साइन एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स, वैसे लॉग में ऐसा लिखा मिल सकता है। लॉग एक्स इसका स्क्वायर, देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लॉग एक्स है, बेस कुछ भी है, इसका स्क्वायर। क्लियर, इसके इक्विवेलेंट है सॉल्व लॉग स्क्वायर एक्स, सॉल्व लॉग स्क्वायर एक्स, मतलब बेस में एक्स नहीं है तो पावर क्या है स्क्वायर, लॉग स्क्वायर एक्स माइनस log स्क्वायर x माइनस थ्री log x, log स्क्वायर x माइनस थ्री log x इक्वल टू log x स्क्वायर, log x स्क्वायर माइनस फोर, solve log स्क्वायर x माइनस थ्री log x इक्वल log x स्क्वायर माइनस फोर। अगर बेस कुछ नहीं दिया हुआ है मतलब क्या है, बेस क्या है 10, एलेन मतलब बेस e की का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71, लॉग मतलब बेस 10, रिक्वायरमेंट होगा बेस लेने का, कुछ मेंशन नहीं है मतलब बेस 10। क्लियर, लॉग बेस 10। चलिए हो गया क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग x बहुत सारा टर्म देता है, क्या लिखेंगे, लेट लॉग x इक्वल टू t, कुछ नहीं मेंशन है मतलब बेस 10, ये ध्यान रखना, अरे ln लिखा हुआ है तो बेस t। क्लियर, चलिए ये क्या बन गया, t स्क्वायर ना, t स्क्वायर माइनस 3t इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 2 log x, डायरेक्ट लिख जाना तो मतलब डायरेक्ट छुट्टी हो जाएगा ना कि 2 log x माइनस मतलब 2t माइनस 4, बोलो किसी को डाउट, देखो क्या बन गया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, कोई प्रॉब्लम, टी स्क्वायर माइनस फाइव टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, फैक्टर टी माइनस फोर टी माइनस वन ये है ना, नहीं क्या लिखना पड़ेगा, फोर और वन ना सही लिखे है, सॉरी ये क्या जाएगा प्लस फोर ना, यस प्लस फोर क्या जाएगा, टी माइनस वन इंटू टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, बोलो बढ़ाओ नहीं ना, टी इक्वल टू क्या जाएगा वन कॉमा फोर। क्लियर, देखो टी किस लिखे थे, टी लिखे थे लॉग एक्स बेस टेन, लॉग एक्स बेस टेन इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया वन और log x बेस 10 इक्वल टू 4, मतलब क्लियर ना, यहाँ से क्या आ गया x इक्वल टू 10 और यहाँ से x इक्वल टू 10 टू द पावर 4, तो बोलो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है ये ना, log x तो देखो log x का टर्म है और यहाँ log x स्क्वायर है, इसके लिए क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, मतलब x नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड, क्या है x ग्रेटर देन 0 पे ऐसा डिफाइंड है, दोनों आंसर होगा, आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 10 एंड 10 टू द पावर 4, तो क्लियर पक्का ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व log स्क्वायर x बेस 10, तो सिंपली x भी लिख सकते हैं log स्क्वायर x, सॉल्व log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर
log square x plus log x square plus 1 log square x plus log x square plus 1 is equal to log square 2 base 10. क्लियर बेस जगह मेथड किया तो हम भी करी तो सेक्शन में टू चीज है log स्क्वायर x plus log x स्क्वायर plus 1 is equal to log स्क्वायर 2 इसको सॉल्व करना है। हो गया क्या बोले इसे भी किसको मानेंगे इसमें भी क्या टर्म दिख रहा है log x क्लियर ना तो फिर क्या मानते हैं लेट log x base 10 is equal to t देखो क्या बना ये बना t square plus 2t plus 1 is equal to log 2 base 10 square बोलो कोई डाउट ये किसी का फॉर्मूला है क्या इसको क्या लिख सकते हैं t plus 1 whole square is equal to log 2 base 10 square क्लियर अगर x स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर x इक्वल टू a ये होता है ना क्या लिखेंगे t प्लस 1 इक्वल टू log 2 बेस 10 बोलो ये लिखेंगे अरे कदा अगर x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है x इक्वल टू क्या लिखते हैं प्लस माइनस a यहां क्या लिखेंगे t प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस log 2 बेस 10 बोलो बड़ा और नहीं ना चलो टीका तो पुट कर दो क्या बन गया log x base 10 अब इसको कंबाइन करना है तो 1 को लिख सकते हैं क्या log 10 base 10 is equal to plus minus log 2 base 10 चलो बढ़ाओ नहीं ना ये क्या बन गया log x base 10 plus log 10 base 10 ये बन गया log 10 x base 10 is equal to प्लस माइनस लॉग 2 बेस 10 क्लियर चलिए अलग अलग लेते हैं साइन एक और लॉग 10 एक्स बेस 10 इक्वल टू लॉग 2 बेस 10 और लॉग 10 एक्स बेस 10 इक्वल टू माइनस लॉग 2 बेस 10 तो ये लिख सकते हैं क्या लॉग 2 के पावर माइनस 1 बेस 10 पक्का ना यहां से क्या आया 10 x इक्वल टू 2 मींस x इक्वल टू 1 बाय 5 बोलो क्लियर यहां से 10 x इक्वल टू 1 बाय 2 x इक्वल टू 1 बाय 20 अब चेक करना है यहां से रिस्पेक्ट करा है इसके लिए सिर्फ x के पर में चाहिए वैसे x ग्रेटर देन 0 x लोग को कॉल किया है सब 0 सिर्फ करना क्या है x ग्रेटर देन 0 दोनों से रिस्पेक्ट कर रहा है ना दोनों में क्या है x ग्रेटर देन 0 आंसर क्या हो गया x इक्वल टू 1 बाय 5 1 बाय 20 x इक्वल टू 1 बाय 5 1 बाय 20 बोलो क्लियर ना चलो वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन लो नोट करो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप टाइप फोर अब देखो अब क्या रहेगा टाइप फोर में देखो इसमें क्या रहेगा नंबर का पावर रहेगा पहले देखिए सिंपल फिर देखिए दो लॉग इक्वल है बेस 10 पे इक्वल देखिए सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन है और फोर्थ क्या रहेगा वेरिएबल का पावर लॉग रहेगा वेरिएबल या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं किसी का वेरिएबल कांस्टेंट का पावर लॉग तो नेक्स्ट लिखो फोर्थ टाइप एक्स की पावर लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट अल्फा इस टाइप को अगर सॉल्व करना है एक्स की पावर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू अल्फा क्लियर इस टाइप में क्या करते हैं अगर नंबर का पावर रहेगा या वेरिएबल का वेरिएबल रहेगा
किसी भी टाइप का इक्वेशन स्टेप में आ जाए, कहीं डिफरेंशिएशन में आए, ट्वेल्थ में वो सारी चीज पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, लॉग लें। इसमें पहले क्या करेंगे, लॉग लें, क्लियर। बेस हम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका बेस कुछ भी रह सकते हैं, ध्यान लेके आप प्रिफर करेंगे जो क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है। ठीक है, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस ए, क्लियर। फिर सिंपलीफाई हो जाएगा, देखो कैसे करेंगे, इसमें एक लाइन लिख लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑन द बेस ए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विथ बेस ए, क्लियर। अब फिर लिखेंगे उसके बाद देखो क्या बन जाएगा, तो स्पेस ए, नाउ कंसीडर, नाउ कंसीडर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू टी, देखो लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा ना लॉग एक्स बेस ए, फिर क्या मान लेंगे, लॉग एक्स बेस ए को कुछ मान लेंगे, एंड कंसीडर लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू टी, क्लियर। क्वेश्चन अच्छा ज्यादा क्लियर होगा तो क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व 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 एक्स टू द पावर, एक्स टू द पावर लॉग एक्स प्लस सेवन बाय फोर, एक्स टू द पावर लॉग एक्स प्लस सेवन होल डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू टेन टू द पावर लॉग एक्स प्लस वन, प्लस वन बाहर है, लॉग एक्स में इसका आर्गुमेंट नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। सॉल्व एक्स टू द पावर लॉग एक्स प्लस सेवन बाय फोर, ये भी सेवन पावर है, इज इक्वल टू टेन टू द पावर लॉग एक्स प्लस वन, क्लियर। इसमें देखो वेरिएबल का पावर है ना, वेरिएबल का पावर लॉग है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस, बोलो बेस क्या लेंगे, बेस कुछ नहीं दिया हुआ है ना, मतलब बेस क्या है, टेन है ना, विथ बेस टेन, क्लियर। बोलो क्या बन जाएगा, ये इसलिए चलो पांच परसेंट लिख के दिखाते हैं, ऐसे लिखेंगे ना लॉग बेस टेन, तो क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर लॉग एक्स प्लस सेवन बाय फोर, बोलो क्लियर, इज इक्वल टू लॉग बेस टेन, लिखा जाएगा टेन टू द पावर लॉग एक्स प्लस वन, बोलो क्लियर। अब बताओ पावर है ना आर्गुमेंट में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई, ये क्या बन गया, देखो लॉग एक्स प्लस सेवन बाय फोर इंटू, ये पूरा मल्टीप्लाइड हो गया, क्या बचा लॉग एक्स बेस टेन इंटू लॉग एक्स बेस टेन, बोलो कोई डाउट नहीं ना, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाइड में आएगा ना, क्या बन जाएगा लॉग एक्स बेस टेन प्लस वन इंटू, बचा क्या लॉग टेन बेस टेन, लॉग टेन बेस टेन, ये तो बन जाएगा ना पक्का ना। अब देखो सब जगह क्या लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स लिख रहा है क्या, अब किसको मानेंगे, लॉग एक्स को ना ले लॉग एक्स बेस टेन इक्वल टू टी, क्लियर। बोलो क्या बन गया, ये बन गया टी प्लस सेवन बाय फोर इंटू टी, क्लियर, इज इक्वल टू टी प्लस वन इंटू वन, बोलो किसी को डाउट है नहीं ना पक्का, बोलो क्या बन गया, ये फिर क्वालिटी बना ना, ये क्या बना टी स्क्वायर प्लस सेवन डी इक्वल टू फोर टी प्लस फोर, क्लियर ना।
क्या आ गया ये, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस 7t माइनस 4t प्लस 3t माइनस 4 इक्वल 0। बोलो क्लियर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या है, टी प्लस 4 इंटो टी माइनस 1 इक्वल 0। इसे वो बढ़ाओ क्या क्या, t इक्वल टू 1 माइनस 4। अब t किसको माने थे, log x को, log x टेन इक्वल टू 1, यहाँ से क्या गया x इक्वल टू 10, और log x टेन इक्वल टू माइनस 4 इंप्लाइज x इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4। अब चेक कीजिए दोनों का लॉस एक्सेप्टेबल है या कोई एक वैल्यू एक्सेप्टेबल है या एक भी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए इसमें डिफरेंट के लिए इसको डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 दोनों है, इसको डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0 दोनों है। बेस डिफरेंट के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 दोनों है। आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 10 एंड 10 टू द पावर माइनस 4, x इक्वल टू 10 कॉमा 10 टू द पावर माइनस 4। बोलो क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सॉल्व x प्लस 1, सॉल्व x प्लस 1 होल टू द पावर log x plus 1, solve x plus 1 to the power log x plus 1, x plus 1 to the power log x plus 1 is equal to 100 into x plus 1, 100 into x plus 1, solve x plus 1 whole to the power log x plus 1, ऐसे है ना, log x plus 1 एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं बेस नहीं है तो आर्गुमेंट भी है, x plus 1 to the power log x plus 1 is equal to 100 into x plus 1 is equal to 100 into x plus 1, इस वक्त के लिए तो फिर क्या करेंगे, बेस क्या है कुछ नहीं, मतलब 10 फिर लॉग बोस का ले रहे हैं, तब लिख नहीं रहे हैं, टेकिंग लॉग बोस है आप लोग लिख लो क्या बन जाएगा, देखो ऐसे लिखेंगे ना, ये मल्टीप्लाइड होगा इसमें लॉग आ जाएगा, देखो ये होगा कि नहीं, लॉग x प्लस 1 इनटू लॉग x प्लस 1 बेस 10, तो क्लियर है ना, इज इक्वल टू अदर एक में लिख लो, टेकिंग लॉग वो साइड पे क्या बन जाएगा, देखो लॉग बेस 10 x प्लस 1 होल टू द पावर लॉग x प्लस 1 इक्वल टू लॉग बेस 10 100 इनटू x प्लस 1। बोलो कोई डाउट है क्या, नहीं ना, ये क्या बन गया, लॉग x प्लस 1 पावर मल्टीप्लाई बचा क्या, लॉग x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग एम इन टू एन निकाल ले सकते हैं, लॉग 100 बेस 10 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 बेस 10, दोनों किसी को डाउट है क्या, एंड नहीं ना, अब किसको टी मानेंगे, लेट लॉग एक्स प्लस 1 बेस 10 इज इक्वल टू टी। बोलो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हुआ, ये बन गया t into t means t squared is equal to 2 plus t, बोलो क्लियर, t squared is equal to 2 plus t means t squared minus t minus 2 is equal to 0। बोलो फैक्टर क्या है, फैक्टर रहेगा t minus 2 into t plus 1 is equal to 0, ये होगा ना, क्या क्या आया, t इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2, t इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 2, और t इसको माने थे, t तो माने थे log x प्लस 1 को, लिख दो उसके प्लेस पे,
क्या हो गया log x plus 1 by 10 equal to minus 1 और भी क्या आएगा आएगा log x plus 1 by 10 सेकंड वाला क्या है 2 ना equal to 2 clear यहां से बोलो क्या लिखेंगे x plus 1 equal to 10 to the power minus 1 1 by 10 तो x is equal to 1 by 10 minus 1 right लिख रहे हैं माइनस 9 बाय 10 बोलो किसी को दिक्कत है इसमें अरे नहीं ना एक्स इक्वल टू क्या आ गया माइनस 9 बाय 10 क्लियर ना चलो यहां से क्या आया लॉग एक्स प्लस 1 बेस 10 इक्वल टू 2 एम प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 100 तो एक्स क्या आ गया एक्स इक्वल टू 99 अब चेक कीजिए कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ओरिजिनल क्वेश्चन दिया है x plus 1 point a होना चाहिए सिर्फ यही है ना x plus 1 point a x plus 1 क्या आया x plus 1 आया 1 by 10 ना ये point a भी है इसमें x plus 1 क्या आया 100 ना ये भी point a आंसर क्या हो गया x equal to 99 minus 9 by 10 x equal to either 99 or minus 9 by 10 क्लियर चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आज का थोड़ा सा दिमाग लगाना है मॉडर्न में इन्वॉल्व है आप लोगों को मॉडर्न का बेसिक पता है इसे मॉडर्न में फिर से पढ़ेंगे जस्ट बेसिक यूज करना है कि मॉड कैसे डिफाइन करते हैं अगर मॉड का अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव से ओपन होगा मतलब हमने से मल्टीप्लाई करके मॉड में करेंगे अगर पॉजिटिव है सिंपली मॉड रिमूव कर देंगे क्लियर चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व मॉड ऑफ log x बेस 2 प्लस 2 इक्वल टू सॉरी -3 इक्वल टू log x माइनस 1 बेस 2 log x बेस 2 प्लस 2 होल मॉड माइनस 3 इक्वल टू log 2 बेस log x माइनस 1 बेस 2 देखो सबसे पहले मॉड को डिफाइन करना है आप लोगों को पता है कि मॉड x इक्वल टू लिखते हैं x when x greater than equal to 0 और माइनस x x greater than equal to 0 and minus x when x less than equal to 0 क्लियर कैसे पता किए कि x greater than equal to 0 होते हैं less than equal to 0 होना चाहिए क्या करते हैं इसको 0 किए 0 कम हो रहा है 0 जहां पे ये 0 हो रहा है उसके राइट साइड पॉजिटिव होगा उसके लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा ऑब्वियस है तो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है उसको जीरो करेंगे और बोलेंगे उसके राइट साइड हमेशा मतलब पॉजिटिव होगा मतलब सिंपली मॉड का सर रिमूव कर लेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा नेगेटिव होगा तो मॉड का सर कैसे रिमूव करेंगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई क्लियर अब बोलो इस पे कहां पे किस पॉइंट पे पॉइंट बना स्टार्ट होगा किस पॉइंट से नेगेटिव बना स्टार्ट होगा उसके लिए ये निकालना पड़ेगा कि ये भाई साहब जीरो कहां हो रहे हैं तो बोलो कहां जीरो होंगे ये क्या है log x बेस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0 बोलो क्या लिखेंगे log x बेस 2 इक्वल टू माइनस 2 मतलब माइनस 2 मतलब क्या लिखेंगे बेस 2 टू द पावर माइनस 2 ना तो क्या बन गया x इक्वल टू 2 टू द पावर माइनस 2 मतलब 1 बाय 4 ना मतलब ये जीरो कहां हो रहा है x इक्वल टू 1 बाय 4 के अगर 1 बाय 4 के राइट ले जाएंगे इसका वैल्यू होल वैल्यू पॉजिटिव होगा अगर 1 बाय 4 के लेफ्ट लेंगे होल वैल्यू क्या होगा नेगेटिव बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या तो पक्का ना इसमें क्या करना पड़ेगा दो केस लेना पड़ेगा केस 1 x less than equal to 1 by 4 case 2 x greater than equal to 1 by 4 मतलब कोई दिक्कत नहीं है जब हम सिंपल लगा सकते हैं क्लियर अब x less than equal to 1 by 4 तो ये मॉड का होगा नेगेटिव ना ये कैसे ओपन होगा माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे log x base 2 plus 2 minus 3 equal to
log x माइनस वन डेट टू, बोलो क्लियर ना। तब क्या बन गया ये, अच्छा x माइनस वन है वन बार इसमें क्या, अच्छा वही है, कोई बात नहीं है। चलिए ये क्या बन गया, माइनस log x डेट टू माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव इज इक्वल टू log x माइनस वन डेट टू, क्लियर ना। चलिए सबको सेम साइड ले जाते हैं, क्या बन गया, log x माइनस वन डेट टू प्लस log x डेट टू प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, क्लियर ना। क्या बन गया ये बेस सेम, x माइनस वन इंटू एक्स, इसको क्या लिखेंगे log फाइव इंटू टू पावर फाइव ना, इंटू डायरेक्ट कर दे क्या, क्या ऐसे रहने दो, log x माइनस वन डेट टू प्लस log x डेट टू प्लस फाइव, तो सर्व नहीं किया ना, इक्वल टू जीरो। चलो क्या लिखते हैं, इक्वल टू माइनस फाइव ना, क्या बन गया ये x माइनस वन इंटू एक्स इक्वल टू 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 द पावर माइनस फाइव, क्या बन गया x स्क्वायर माइनस x माइनस वन बाई थर्टी टू इक्वल टू जीरो। आप लोग इतना थोड़ा सा कर लेना, इससे अगर निकालोगे ना इसमें क्या होना चाहिए, लॉग डिफाइन होने के लिए x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और ग्रेटर इक्वल टू वन बाई क्वालिटी, ये क्वालिटी का ना, इसको सॉल्व करना, इसमें x का एक ही वैल्यू जीरो से वन बाई फोर के बीच नहीं है, एक साइड नेगेटिव आएगा एक वन बाई फोर से बेटर आएगा, चेक कर लेना, कर लोगे ना ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई ट्वेंटी टू इक्वल जीरो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालेंगे और चेक करेंगे ये डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए x ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो मतलब x ग्रेटर देन वन होना चाहिए, क्लियर। ऐसे भी बोल सकते थे, ये सॉल्व नहीं भी सकते कम हो जाता, वहीं से क्या आ गया x ग्रेटर देन, तो ये केस तो कभी आएगा ही नहीं, ना मतलब इतना सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम से कभी कभी यहाँ पे फायदा होता है पर चेक कर ले, अगर इसमें ये चेक करते कि x ग्रेटर देन वन के लिए भी पॉइंट है तो ये नेगेटिव कभी हो ही नहीं रहा है, x का वैल्यू हमेशा वन से बड़ा पुट करेंगे, ये केस कभी लेना ही नहीं था, ना मतलब इतना सॉल्व कर दिया, क्लियर। चलो इसमें क्या होगा, ये हमेशा पॉइंट है, सिंपली लिखेंगे log x बेस 2 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू log x माइनस 1 log x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू log x माइनस 1 बेस 2, क्लियर ना। क्या बन गया ये log x बेस 2, उधर लेके चले जाते हैं या वन को ले जाओ, log x बेस टू माइनस log x माइनस वन बेस टू इज इक्वल टू टू माइनस थ्री वन, देखो क्या बन गया x बाय x माइनस वन बेस टू इक्वल टू वन, सब्सट्रैक्शन तो गलत नहीं किया ना, क्या बन गया x बाय x माइनस वन इक्वल टू टू को पावर वन टू, x इक्वल टू टू एक्स माइनस टू तो x इक्वल टू टू, इससे आंसर क्या है x इक्वल टू टू, ये डिफरेंस के लिए ग्रेटर देन जीरो, ये डिफरेंस से ग्रेटर देन वन, और इसको डिफरेंस के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई फोर, सब सेटिस्फाई कर रहा है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू वन बाई टू, आंसर क्या हो गया सॉरी x इक्वल टू टू, क्लियर। चलो लॉगरिथमिक इक्वेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, फिर इस पर कुछ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू।